तो चलिए आज बनाते हैं एक टेस्टी से पराठा। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। जब भी हम लोग अचार बनाते हैं तो उसमें खूब सारे मसाले डालते हैं। अचार तो सब लोग खा लेते हैं, लेकिन उसमें जो मसाले होते हैं वो बच जाते हैं। उन्हीं मसालों से हम ये पराठा बना के तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है, नहीं तो मसाले हमारे वेस्ट जाता है। इस तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको मसाला पसंद हो वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। ये मैंने एक सॉफ्ट सा डो गूंद के तैयार कर लिया। इसमें कुछ भी नहीं किया, सिर्फ गेहूं के आटे से हमने सिंपल सा आटा गूंदा है। और ये मैंने आम के अचार का मसाला लिया है। खूब सारा मसाला होता है, उसमें से मैंने ज़्यादा सा मसाला निकाल लिया। और बीच में कुछ आम के पीस हैं और कुछ मिर्ची के पीस हैं, इसे भी बीच में ही मैश कर लेंगे हम। इन सभी को हम ऐसे नाइफ चम्मच से आसानी से इसे दबा दबा कर मैश कर लेंगे, ताकि इसमें कोई बड़ा पीसेस ना रहे। अगर कोई बड़ा पीस रहेगा तो पराठे में एक ही जगह रह जाएगा, तो वो सही नहीं बनेगा। अब इसे और तीखा बनाने के लिए इसमें हमने हरी मिर्ची को बारीक काट के डाल दिया। अगर आपका तीखा खाते हो तो इसे स्किप कर सकते हो। अब इसमें खूब सारा हरा धनिया डाल दिया बारीक काट के। हरे धनिया की जगह इसमें मेथी भी डाल सकते हो। मेथी को हाथ से क्रश करके डाल दो तो भी अच्छा बनता है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक तो पहले से ही मसाले में बहुत सा होता है, तो हमने नमक नहीं डाला। आपको ज़रूरत लगे तो नमक डाल सकते हो। ये मैंने एक बड़ी सी लोई ले ली है, क्योंकि हम इसे लच्छा पराठा बनाएंगे तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा आटा चाहिए। एक ही लोई से हम कई पराठे बना के तैयार करेंगे। ये आटा थोड़ा सा नरम है, तो इसमें सूखा आटा लगा के हम इस तरह बेल सकते हैं। मैं इसे प्लेटफॉर्म पे ही बेलूँगी, क्योंकि हमने थोड़ा सा बड़ा रोल बनाना है, तो उतना बड़ा हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा चॉपिंग बोर्ड भी इससे छोटा है, तो ऐसे थोड़ा सा सूखा आटा लगा के पहले हाथ से फ्लैट कर लेंगे, फिर इसे बेलन से बेल लेंगे। सूखा आटा लगाते रहें, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा, आसानी से नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा आटा बहुत सॉफ्ट है। गर्मी है, गर्मी से भी आटा जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। इस तरह हम इसे बड़ा सा एक रोटी की तरह शेप बना के तैयार कर लेंगे। और इसे हम पतला सा बेलेंगे, मोटा नहीं रखेंगे। जैसे रोटी होती है उससे भी हम पतला ही बनाएंगे इसे। ऐसे आराम से इसे बेलते रहें। ये देखिए, हमने खूब बड़ा सारा ये बना लिया है। अब इसके ऊपर हम ये अचार का मसाला डालेंगे। जितने पराठे बनाने हो उसी हिसाब से हम इसमें मसाला डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। ऐसे पूरे में हम फैला लेंगे। इसके ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे, ताकि जब हम इसे बनाएं तो इसकी लेयर्स बन जाएं, नहीं तो आपस में चिपक जाएगी, तो अच्छी लेयर नहीं बनेगी। अब इसके इक्वल साइज से हम ऐसे अंदर से पीसेस काट लेंगे, जिससे हमारी इक्वल लोई बन के तैयार हो जाए। ये मैंने सभी पीस को काट लिया। अब इस तरह एक साइड से पकड़ के हम इस तरह इसका रोल बना लेंगे, दोनों हाथों से पकड़ के थोड़ा सा टाइट रोल बनाएंगे। ऐसे हम सब ऐसे रोल बना के तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने इस तरह रोल बना लिए। अब ऊपर से हाथ से ऐसे दबा देंगे, ताकि इसमें अच्छी सी लेयर बन जाए। अब अगर बड़ा बनाना हो तो एक लोई में दो रोल भी डाल सकते हैं, तो उससे लेयर भी ज़्यादा बन जाएगी और हमारा पराठा भी थोड़ा बड़ा बन जाएगा। इस तरह हमने एक पराठे में दो लेयर भी डाल ली है। इस तरह ये थोड़ा सा बड़ा ही लोई बन के तैयार हो गई है। सभी लोइयों को हम ऐसे अलग रख देंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगा के सॉफ्ट हाथों से इन्हें बेल देंगे। बहुत ज़्यादा दबा के नहीं बेलेंगे, ताकि इसकी लेयर आपस में चिपके नहीं, थोड़ी सी खुल जाए जब हम सेकेंगे इसे। बहुत ही आराम से ये बन के तैयार हो जाते हैं। इस तरह हमने पराठा बेल लिया।
इसी तरह हम सारे पराठे बेल के पहले से भी तैयार कर सकते हैं, या फिर साथ में बेलते रहेंगे और साथ में सेकते रहेंगे। एक तवे के ऊपर पहले थोड़ा सा घी लगा लेंगे, जिससे हमारा पराठा बहुत ही अच्छा कुरकुरा बन के तैयार होगा। ऊपर से हम पराठा डाल दिया, दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन होने तक इसे सेकेंगे और इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। घी लगाने से अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है और अच्छा सा ब्राउन कलर भी बन के तैयार होता है। इसी तरह इसे आराम से मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे सेक लेंगे। तो ऐसे ही हम गेहूं के आटे से लच्छा पराठा अचार वाला बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाते हैं और इसे दही के साथ खाएं तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारा पराठा बन के तैयार हुआ। ऐसे ही हम सब पराठे बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही अच्छे हमारे पराठे बन के तैयार हुए, तो इसे गर्मा गर्मा दही के साथ सर्व करें। देखिए हमारा बहुत ही अच्छा पराठा बना है, तो आप भी इस तरह से बनाएं और ट्राई करें। मिलेंगे ऐसी ही फिर एक नई रेसिपी में। थैंक यू।